जम्मू व जिले के विभिन्न हिस्सों से आने वाले मरीजों के लिए अब काफी राहत होगी, क्योंकि जम्मू के बख्शीनगर इलाके में स्थित एशिया गैस्ट्रो व एंडोस्कोपी सेंटर नई तकनीकों से लैस है, जो पेट व गैस के साथ साथ जिगर से जुड़ी हुई समस्याएं दूर करने में सक्षम है। इस गैस्ट्रो सेंटर में काबिल डॉक्टरों की टीम मौजूद है, जिनमें डॉक्टर सौरभ सैनी व डॉक्टर खालिद महमूद भी शामिल है, जिनकी निगरानी में सेंटर में आने वाले मरीजों का बेहतर उपचार हो रहा है। बता दें कि जम्मू शहर में मरीजों को अक्सर महंगी दवाइयां व टेस्ट से दिक्कतें आती हैं और कई टेस्ट करवाने उन्हें राज्य से बाहर जाना पड़ता था, लेकिन एशिया गैस्ट्रो व एंडोस्कोपी सेंटर बेहतर दामों के साथ मरीजों के लिए सभी सुविधाएं जम्मू में ही उपलब्ध करवा रहा है, जिससे न सिर्फ जम्मू शहर के वासियों को बल्कि अन्य सभी जिलों से आने वाले मरीजों के लिए भी बड़ी राहत हो रही है। एशिया गैस्ट्रो व एंडोस्कोपी सेंटर कुछ ही दिन पहले जम्मू में खोला गया था, लेकिन थोड़ी ही समय में अधिकतर मरीज इस सेंटर का रुख कर रहे हैं और बेहतर सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। इस सेंटर की खास बात यह है कि महीने में एक बार ये सेंटर मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा शिविर लगवाएगा, जिसमें मरीजों के मुफ्त चेकअप होंगे। इस चिकित्सा शिविर में राज्य के बाहर से डॉक्टरों की विशेष टीम जम्मू आएगी और विदेश से लाई गई मशीनों के जरिए मरीजों का मुफ्त चेकअप होगा। इस सेंटर में उपलब्ध सुविधा के जरिए मरीजों को कई अंदरूनी खतरनाक व जानलेवा बीमारियों का भी पता चल सकेगा, जो अन्य किसी सेंटर में मरीजों को काफी कम पता चलता था। आप भी एशिया गैस्ट्रो सेंटर की बेहतरीन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और बेहतर उपचार के लिए जल्द से जल्द एशिया गैस्ट्रो व एंडोस्कोपी सेंटर का रुख करें। देखिए, ये एक सेंटर ऐसा है जहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, लीवर, पैनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की डिजीज़ के बारे में ट्रीटमेंट किया जाएगा। जो भी पेशेंट इन बीमारियों से सफ़र हो रहे हैं, उनके ट्रीटमेंट का सेंटर है ये। इस सेंटर में जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, चाहे वो गैस की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अल्सर की प्रॉब्लम हो, चाहे वो रिफ्लक्स सिम्टम्स हो, या खाने में दिक्कत हो, खाना अटक रहा हो, सो उन सारी बीमारियों का इलाज इस सेंटर में किया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन की बीमारियां, जैसे इन्फेक्शंस होती हैं, डायरिया है, पेशाब के साथ खून आ रहा है, पाइल्स हो गए, बवासीर जिसको आप बोलते हैं, इंटेस्टाइन के ट्यूमर्स को डिटेक्ट करना और वहां पे उनकी बायोप्सी लेना, अंदर जाके इन्फेक्शन को देखना, इन सारी चीज़ों का इलाज यहां पे किया जाता है। इसके अलावा इस सेंटर में लीवर के डिजीज़ पेशेंट है, जैसे फैटी लीवर हो गया है, जॉन्डिस वाला मरीज है, हेपेटाइटिस बी एंड सी है, क्रॉनिक लीवर डिजीज़ हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, उन सब बीमारियों का इलाज इस सेंटर में अवेलेबल है। ये दो मेन स्पेक्ट्रम हैं। इसके अलावा गॉल ब्लैडर की डिजीज़ आती हैं, हेपेटोबिलरी सिस्टम की डिजीज़ आती हैं और पैनक्रियाटिक डिजीज़ आती हैं, जैसे क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस है, अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस है, उन सब बीमारियों का इलाज यहाँ पे होता है। एक तो बेसिक ट्रीटमेंट है और दूसरा बीमारियों के, जैसे एंडोस्कोपी, हमारे पास एंडोस्कोपी सेंटर भी अवेलेबल है। हम जितने भी एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे अपर जीआई एंडोस्कोपी, हम मैदे को देखते हैं, इसोफेगस को, इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट को, और इसी तरह हम लोअर जीआई एंडोस्कोपी है, जिसमें हम कोलन को देखते हैं, इंटेस्टाइन को देखते हैं। तो इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ERCP का और एंडो अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम मशीन को अंदर डाल के अंदर से अल्ट्रासाउंड करते हैं। एक अल्ट्रासाउंड होता है जो बाहर से हम करते हैं, दूसरा अल्ट्रासाउंड होता है जो मशीन में अंदर से जाके हम देखते हैं, वेरी क्लोज टू द आर्गन। तो वो सब फैसिलिटीज़ हमारी पाइपलाइन में हैं, मे बी इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर हम वो भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये मेन मकसद यहाँ पे इस सेंटर का यही है, जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ हैं, लीवर डिजीज़ हैं, पैनक्रियाज की डिजीज़ हैं, चाहे वो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो, बवासीर के पेशेंट्स हों, फैटी लीवर के पेशेंट्स हों, उन सब बीमारियों का इलाज यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है। जम्मू से जुड़े विभिन्न ज़िलों की अगर बात करें, वहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और जाहिर सी बात है कि जो दवाइयों के या टेस्ट के रेट्स जो हैं, दाम जो हैं, वो काफ़ी हाई हैं, बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं उनको, तो आपकी तरफ से कुछ उन मरीज़ों के लिए राहत रहेगी? यस, देखो, इस चीज़ को मद्देनजर रखें, एक तो हमारे जो रेट्स हैं, एंडोस्कोपी के रेट्स हैं या कोलोनोस्कोपी के रेट्स हैं, जो प्रोसीजर्स के रेट्स हैं, वो बाकी जगहों के कंपैरिजन में बहुत ही कम रेट्स हमने रखे हैं। चाहे वो कंसल्टेशन फीस हो, बाहर आप सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन में कहीं जाएंगे तो 500-1000 तक भी कंसल्टेशन फीस जाती है, उस चीज़ को मद्देनजर रखे हमने अपनी कंसल्टेशन फीस भी एक फिजिशियन के लेवल की रखी है, इवन दो इट्स ए सुपर स्पेशलिटी सेंटर। दूसरा, जो प्रोसीजर्स हम करते हैं वो बहुत ही कम रेट्स में हम करते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सेंटर्स।
तीसरी चीज़ आपकी जो है, जो बहुत सारी मशीन से हम यहाँ पे अवेलेबल करवा रहे हैं, जैसे मंथली ऑन मंथली बेसिस, वो महीने में एक बार आया करेंगे, जो दे आर ऑल स्पॉन्सर्ड मशीन्स, वो मंथ में एक बार आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट हम जैसे पेशेंट को अभी एनरोल कर रहे हैं, लीवर डिजीज पेशेंट्स को एनरोल कर रहे हैं, तो वो मशीन मंथ में एक बार आएगी दिल्ली से, और वो लोग आके, उनका इंजीनियर साथ में रहेगा, वो लोग आके फ्री टेस्टिंग करेंगे, जैसे ये एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है स्टमक के अंदर, उसको ब्रेड टेस्ट में करना है अगर, या फिर हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग करना है, जो बाहर अगर आप कराएंगे तो 2,000-3,000 में कॉस्ट पड़ता है, फाइब्रो स्कैन अगर आप कराएंगे तो बाहर आपको 6,000-7,000 चार्ज करेंगे, तो इन गरीब पेशेंट्स के लिए हमने वो फैसिलिटीज़ मंथ में एक बार यहाँ पे फ्रीली, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। उन लोगों को हम एनरोल कर रहे हैं, लिस्ट में नाम बना रहे हैं, तो जैसे ही हमारे पास डेट अनाउंस होती है उन चीज़ों की, हमें डेट फिक्स होती है, हम जितने भी हमने लोग एनरोल किए हुए हैं उनको हम एक मैसेज डाल देंगे एक दो दिन पहले, तो वो लोग आके इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं।